नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तन्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है जिसमें हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको 64 भक्ति अंगों में से 53 जो भक्ति के अंग थे, जो विधि विधान थे, उसके बारे में बताया। और बाकी हम लोग 54 से लेकर के 64 तक, मतलब 10 और भक्ति के विधि विधानों को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें इधर लिखे हुए 5 ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो हम लोगों ने 53 में क्या देखा था, किसी को याद है? तुलसी आदि वृक्षों की सेवा। तुलसी आदि वृक्षों की सेवा, जिसमें हम बताए थे कि 9 प्रकार से तुलसी की भी सेवा की जा सकती है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वैसे सेम प्रोसेस हम माता तुलसी की सेवा करने में भी उपयोग कर सकते हैं। 54 वैष्णव शास्त्र सेवा। क्या सेवा है? वैष्णव शास्त्र सेवा। लेकिन इसके पहले एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। आप देखिए, एक जगह आत्मनिवेदन लिखा है। पहले आत्म निवेदन, निवेदन, और एक जगह है शरणागति। ठीक है, ये दोनों को समझना पहले जरूरी है। ठीक है, 64 भक्ति अंग में ये दोनों एक जैसा देखने से लग रहा है ना, कि आत्मनिवेदन और शरणागति दोनों एक ही चीज ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है। और 64 अंग में हम लोग जब पढ़ रहे थे पीछे, तो दोनों आया, आत्मनिवेदन भी आया और शरणागति भी आया। कितने नंबर में है आत्मनिवेदन? आत्मनिवेदन है 49वें नंबर, ये है 49वें नंबर, और शरणागति है 52 नंबर, और शरणागति है 52 नंबर। ठीक है, तो हम आत्मनिवेदन जब बताए आपको, तो हम बताए कि 6 प्रकार से आत्मनिवेदन किया जाता है, जिसमें हम बता रहे थे कि जो हमारे अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये सब हमने आपको ये बात बताया था। और हमने ये भी बताया था उसमें कि जैसे एक पशु को बेच दिया जाता है, तो पशु का सारा कार्यभार उसका होता है, चाहे वो मार दे, चाहे वो कोई भी सेवा करे, वो उसके ही अंदर पर है। आत्मनिवेदन किए थे बलि महाराज, इसका उदाहरण लिखिए आत्मनिवेदन के बगल में, बलि महाराज, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, जब भगवान वामन रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन शरणागति का अर्थ होता है कि हम भगवान के शरणागत हैं, लेकिन शरणागत हुए तो उसका उद्देश्य यह है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये शरणागति का अर्थ ये है। यहाँ पर लिखिए बलि महाराज और यहाँ पर लिखिए द्रौपदी। द्रौपदी क्या कर रही है? शरणागत हो रही है। कैसे? दोनों हाथ उठा करके बोलती है कि हाँ नाथ द्वारिकावासी, आप हमारी क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? दुशासन से रक्षा कीजिए। तो भगवान ने वहां पर चीर को बढ़ा करके द्रौपदी की रक्षा की। यहाँ पर बलि अपना सर्वस्व समर्पण कर दे रहा है, लेकिन शरणागति में क्या हो रहा है, वो चाह रहा है कि भगवान हमारे प्रोटेक्टर बने, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्षण कर्ता बने भगवान, ऐसा वो चाह रहा।
तो वहां पर प्रभुपाद जी ब्रैकेट में लिखते हैं शरणापत्ति, इस शरणागति के बगल में लिखते हैं शरणापत्ति। इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा, है ना, इस दोनों में यही अंतर है। ठीक है शरणापत्ति, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। इनकी एग्जांपल में एक में बलि और एक में द्रौपदी, इनकी एग्जांपल में हम प्रहलाद महाराज को दे सकते हैं? नहीं नहीं, चौवन वैष्णव शास्त्र की सेवा, इसकी सेवा कर रहे हैं हम लोग, वैष्णव शास्त्र की सेवा, सेवा। तो इसमें वैष्णव शास्त्र क्या है कोई बता सकता है? केवल भागवत ही वैष्णव शास्त्र कहा जाता है। यहाँ लिखा गया वैष्णवानी तो शास्त्रानी ये श्रुवंती पठंती च, जो वैष्णव शास्त्र को सुनता है और पढ़ता है, ध्यानास्ते मानवा लोके तेसाम कृष्ण प्रसिद्धि, और अगर उसका ध्यान भी करता है भागवत आदि का तो क्या करेगा, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लेगा। वैष्णवानी तो शास्त्राणी ये आचयंती गृह नरा, जिसके घर में वैष्णव शास्त्र भागवत पुराण या फिर रामायण आदि का अगर पूजन होता है, तिष्ठते वैष्णव शास्त्रम लिखितम यस मंदिरे, जहाँ पर भागवत विराजमान है या जहाँ पर उसके श्लोक भी लिखे गए हैं, तत् नारायण देव स्वयं वस्ति नारद, वहां पर हे नारद स्वयं मैं वहां निवास करता हूँ। भागवत में कहा गया सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद भागवतम इष्यते, तद रसामृतम तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रति क्वचित्। अगर कोई वेदांत शास्त्र पढ़ना चाहता है उसमें रति नहीं होती, लेकिन वेदांत सूत्र के सार को अर्थात श्रीमद भागवतम को कोई पढ़ना चाहता है तो तुरंत तद रसामृत तृप्यति, वह तुरंत क्या करेगा, रसामृत से तृप्त हो जाएगा और रति मतलब भाव के स्तर पर पहुंच जाएगा केवल वैष्णव शास्त्र को सुनने और पढ़ने से। ठीक है 55 मथुरा मंडल वास, मथुरा मंडल वास में कहा जाता है कि मथुरा च परित्यज्य येन यत्र कुरते रतिम, मथुरा को छोड़ करके कोई अन्य जगह अपने मानसिकता को अपने बुद्धि को अपने अटैचमेंट को अगर लगाता है, मूढ़ो भ्रमति वो सबसे बड़ा मूर्ख है। संसारे मोहिता मम माया, उसे संसार में मेरी माया मोह लेगी। ब्राह्मण ब्राह्मण पुराण में कहा त्रिलोक्यवर्ती तीर्थानां सेवना दुर्लभा ही या, त्रिलोक में जो तीर्थ हैं वो क्या हैं, सुदुर्लभ हैं। परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः, लेकिन मथुरा का स्पर्श करने मात्र से वहां सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर कहा जा श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता परोक्षिता गता, जो स्मृति करता है कोई कार्य करता है इच्छा भी करता है, स्पृष्टा श्रिता सेविता स्पर्श भी कर लेता है सेविता सेवन करता है किसका, मथुरा विष्टता निर्णाम इति ख्याता पुराने सुना विस्तार न्योच्यते, इतना विस्तार उसका किया जा सकता है कि कोई भी शास्त्र उसके गुणगान को वर्णन नहीं कर सकता है। अगर कोई धाम वास करना चाहता है तो कई लोगों का प्रश्न है कि मथुरा मंडल में वास करने के लिए मतलब ब्रज 84 कोस के अंदर, 84 कोस के अंदर बरसाना नंदगांव वृंदावन त्रेत कदम जितने भी आते हैं अद्वादश वन आते हैं वो सब मथुरा मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो सब कहते हैं बिना गुरु के आदेश के हमको वृंदावन निवास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को प्रश्न है कि हमें अभी निवास नहीं करना चाहिए, तो हमने बताया कि वहां निवास करने का क्या महत्व है, और यहाँ पर धाम के भी 10 अपराध कहे गए हैं कि जो अपराध है वो किस प्रकार है, कि अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं किसी भी धाम में, खास करके हम मथुरा मायापुर में है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि धाम दर्शक गुरु की अवज्ञा, कि धाम जो दिखा रहा है आपको उसकी अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा धाम को अशाश्वत नहीं समझना चाहिए, जो हम देख रहे हैं वो नित्य धाम हमको नहीं दिखाई दे रहा, हम कहते हैं कि भगवान का जन्म यही हुआ था, यही पर भगवान ने माखन चुराया था, यही स्थान है जहां पर से भगवान ने कालिया के ऊपर कूदा था, जब ऐसा हम लोग कहते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं होता क्योंकि हमें शाश्वत नहीं दिखता। अगर कोई उसको शाश्वत नहीं समझता है तो अपराध कर रहा है। तीसरा यात्री और धाम वासी को साधारण समझना, या ऐसा व्यक्ति समझना जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं रिक्शा में बैठ करके जाते हैं और वो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जब अधिक लेता है तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं क्रोध करते हैं, तो ये क्या है, अपराध है। धाम में भौतिक कार्य करना, हम धाम में गए हैं किस लिए,
अपने भजन को करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, साधु का संग करने के लिए, लेकिन वहां भी जाकर के हम भौतिक कार्य में लग जाते हैं तो हम धाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। पांचवा, हरि नाम तथा अर्चा विग्रह सेवा का व्यापार करना। हम वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि हम पुजारी हैं, हम अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे और पैसे लेते हैं, या हरि नाम का व्यापार करते हैं। जैसे कई लोग हैं जो भागवत की कथा करते हैं, वृंदावन से हैं, वो सब धाम में रह करके धाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। छठा, धाम किसी भौतिक प्रदेश में है ऐसा समझना। अगर कोई समझता है कि मथुरा एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में आता है, तो ये हम अपराध कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है धाम को देवी देवताओं के पवित्र स्थानों के समान समझना। हम क्या समझ लेते हैं कि धाम किसी देवी देवता का एक स्थान है, और धाम के प्रदेश को मापने की कोशिश करना। हम बोलते हैं ना कि धाम जो है 84 कोश के अंतर्गत है, मतलब हम लोग हिसाब लगा लेते हैं 84 कोश के अंतर्गत है, वो अचिंत है, वो कितना भी विस्तार कर सकता है और कितना भी अपने आप को समेट सकता है। हम उसको नहीं बांट सकते कि ये बॉर्डर राजस्थान के साथ सटता है, ये हरियाणा के साथ सटता है, ये दिल्ली के साथ आता है, यूपी के साथ आता है, ऐसा करना भी अपराध है। धाम में पाप कृत्य करना, जो शास्त्रों में निषेध है ऐसे कार्य को भी धाम में जाकर के करना पाप है। आठवां, ब्रज मंडल तथा नवद्वीप मंडल को अलग अलग समझना। जो नवद्वीप है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, और जहां भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, दोनों को अलग अलग समझना भी धाम के प्रति अपराध है। नौवां, धाम की गुणगान करने वाले शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई एक बार भी मथुरा मंडल में प्रवेश कर जाता है तो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो ऐसा बोल देता है उसको लगता है हम तो कई बार गए हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कई बार गए हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा विहीन होकर धाम महात्म को काल्पनिक समझना। श्रद्धा विहीन होकर के हम जो महात्म समझा रहे हैं इसको काल्पनिक समझ लेना धाम के प्रति अपराध है। इसलिए इन 10 अपराधों से बच करके हमें मथुरा मंडल में निवास करना चाहिए। इसके आगे क्या है? वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा क्यों करनी चाहिए? वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु की भक्ति को करना आरंभ कर दिया है वो वैष्णव है। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, जो एक बार कृष्ण का नाम लिया हो उसको प्रणाम करना चाहिए, जिसने दीक्षा ले लिया है उसको दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए, जो निरंतर भगवान कृष्ण का ही नाम गुणगान करता हो उसका हमें संग करने का प्रयास करना चाहिए। और वैष्णव कौन है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। जितने भी आराधना करने लायक जितने भी लोग हैं उसमें सबसे अच्छे और सबसे श्रेष्ठ जो आराधना करने के योग्य हैं वो कौन है? विष्णु। और उसमें भी तस्मात परतरम देवी, इसमें भी कौन है? तदिया नाम समर्चनम, इसमें भी उनके भक्त हैं जो अर्चन करने के योग्य हैं। हम भगवान की सेवा कर सकें, आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं भगवान कि जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। इसलिए हमें वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, शंख चक्रांकित तनु सिरसा मंजरी धरा गोपी चंदन लिप्तांगो सप्तसह चेत अधः अघंकुतः। शंख चक्र लगाया हो, सर पर तुलसी का मंजरी धारण किया हो, गोपी चंदन लगाया हो जिससे पूरा शरीर चंदन या ब्रज रज से अंकित हो, उसको भी वैष्णव समझना चाहिए। उसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आदि पुराण में वही अर्जुन को कह रहे हैं, ये में भक्ता जना पार्था न में भक्ता चते जना मत भक्ता नाम चे भक्तास्ते मत भक्त तमोमता। जो मेरा भक्त है वो असलियत में मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। यावंती भगवत भक्तेर अंगानि कथिनाहि प्रयास तावंती तद भक्त भक्तेर अपि बुधा विधु। जो भक्तों की सेवा करता है वास्तव में वही बुद्धिमान है, बाकी सब बेवकूफ है। साक्षात भगवान बता रहे हैं स्कंद पुराण में। इसलिए हमें वैष्णव की क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। नाम अपराध में सबसे पहला अपराध क्या है? वैष्णव की निंदा ना करना, जिसमें हम कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए ऐसा
कहा गया, वो है ना एक भजन गाते हैं जिसमें क्या है, गोविंद विश्राम जो है भजन, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव के जो हृदय हैं उसमें सदा गोविंद का विश्राम होता है, जिनको देखने मात्र से तुम्हारा दर्शन करे, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारे गुण, जो दर्शन मात्र से भी हमें पवित्र कर दे ऐसे वैष्णव का गुण होता है। गंगा क्या है श्लोक, गंगा परासे होइला पावन, कि हम गंगा में स्नान करने के बाद पावन होते हैं, लेकिन वैष्णव को केवल दर्शन करने मात्र से हम पावन हो जाते हैं। इसे सबसे श्रेष्ठ अगर कोई किसी की महिमा है पूरे संसार में, जिसको हर कोई सम्मान देता है, तो वो वैष्णव है। जब भगीरथ उतार रहे थे गंगा को, तो गंगा जी बोलते हैं कि बताओ कि मेरे पाप, हम तो सबके पाप को धोएंगे, मेरे पाप को कौन धोएगा, तो बोलते हैं कि जितने भी वैष्णव जो भगवान का नाम लेते हैं वो आकर के अगर आप में स्नान करेंगे तो आपके समस्त पाप हर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए वैष्णव की बहुत महिमा है, इसको बहुत कहा जा सकता है, लेकिन सब आगे केवल यहाँ पर रूप गोस्वामी निर्देश कर रहे हैं कि क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यथा वैभव सामग्री तद गोष्ठी महोत्सव, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, अपने पद के अनुसार, समझ रहे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा सामर्थ्य बहुत कुछ है करने का, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा कम होती है। ये अत्याधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करने से प्रधान, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, मतलब जितना आर्थिक संपत्ति है, अगर आपको है ताकत कि आप घी का दिया जला सकते हैं, तो आपको तिल का तेल का दिया जलाने से अपराध होगा। फिर आप बोलिएगा नहीं, शास्त्र में तो लिखा है कि तिल का दिया जला सकते हैं। यहाँ आपका सामर्थ्य है कि नहीं उस चीज को खरीदने का बात यहाँ ये उठता है। हम घी का दिया जला सकते हैं, हम शुद्ध कपास का रुई उसमें जला सकते हैं, तो हम तिल का तेल डाल करके और कपड़े का बाती बना करके जला नहीं सकते हैं। अपने पद के अनुसार हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा न करना अपराध, समझ गए। 58 कार्तिक व्रत, जिसको यहाँ पर कहा गया ऊर्जा दरह, कार्तिक व्रत में यथा दामोदरम भक्त वत्सलो वदीनो जनः तस्याहं तद्दृशो मास स्वल्पम अपि उरुकारकः। दामोदर के समान कोई भक्त वत्सल नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि माता यशोदा ने क्या किया था, उनको रस्सी से बांधा था। भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रह करके कुछ भक्ति कर लेने से ही भगवान उसे शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्तिक के महीने में वृंदावन में ही निवास करना है और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ तस्याहम सदृशो मास स्वल्पम अप्य उरुकार कह, एक महीना रह करके भी अगर ठीक से भक्ति करता है तो उसको भगवान क्या देंगे, शुद्ध प्रेम देंगे। कार्तिक में वो आता ना भीष्म पंचक, इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर भगवान दामोदर लीला होता है, इसी के अंदर दिवाली आता है, इसी के अंदर गोपाष्टमी आता है, ये सब जितने भी भगवान के महोत्सव हैं वो कार्तिक के अंदर आते हैं, ठीक है। 59 भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना, जिसमें भगवान का जन्माष्टमी आता है, क्या आता है, जन्माष्टमी, रामनवमी, वराहा द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, ये सब जो आते हैं उन उत्सवों को मनाना चाहिए, बस इतना ही लिखा है इसमें। भविष्य पुराण में इसका कथन है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने, भगवान के उत्सवों को मनाने अवश्य ही प्रसन्न होंगे। केवल उत्सवों को मनाने से क्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। उत्सव मनाना मतलब भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान प्रसन्न होंगे तो सब प्रसन्न होंगे। अब इसके बाद जो 60 से लेकर के 64 तक हैं, ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर हम इन 60 को नहीं कर सकते, 59 को, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने पूरे जीवन में कम से कम इस 5 चीजों को अपना लें। इतना देर तक बता रहे थे वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रथम का 3 गुरु पादाश्रय, गुरु शिक्षा आदि, और गुरु के शरण में रह करके उनकी सेवा करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर ये 5 मथुरा मंडल में निवास करना, भगवान का कीर्तन करना, भक्तों की संगति करना,
श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना और अर्चा विग्रह की सेवा करना इतना बहुत जरूरी है। अगर इतना कर रहे हैं लेकिन आपके पास सामर्थ्य होने के बाद भी ये सब आप नहीं मना रहे, भगवान का लीला जन्मोत्सव या फिर सेवा नहीं हो रही है, वैष्णव का अनादर कर, तो आप क्या करेंगे? आप कभी भी भक्तों की संगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको ध्यान रखते हुए भी हमको ये काम को करना है। ये इधर जो है वो पहले वाले मतलब पहले हाँ, हाँ, दोनों में दो बार मथुरा मंडल वास है। तो सबसे पहले क्या है? अर्चा विग्रह की सेवा। अर्चा विग्रह कितने प्रकार के होते हैं कौन बताएगा? 8 प्रकार के होते हैं, लकड़ी का, मिट्टी का, धातु का, अष्ट धातु का, मनोमय, मृत्युमय या फिर वायुमय, फोटो, इस तरह के 8 प्रकार के अर्चा विग्रह होते हैं। कितने प्रकार के? 8। इसको अगर प्रमाण रूप में देखना है तो भागवतम के 11 स्कंद के 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में मिलेगा। 11 स्कंद के 27.12 भागवतम में 8 प्रकार के भगवान के विग्रह होते हैं। उन 8 विग्रहों को में से कोई भी विग्रह की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए। और अर्चा विग्रह कर सेवा करने में हम 32 और 32 64 अपराध आपको बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम का पाठ या श्रवण। तो यहाँ कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, सर्व वेदांत सारम ही भागवतम इष्यते तद रसामृतम तृप्तस्य नान्यद् यत् स्याद् रचित वही। इस श्रीमद् भागवत के समान ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसको सुन करके आप रति उत्पन्न कर सके। ठीक है। और एक भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है कि भागवत है क्या? तो भागवत में खुद क्या कहा जा रहा है कि भागवत क्या है? तो सभी को श्लोक याद होगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम मतलब क्या होता है? सभी वेदों का सार या सभी वेद को क्या कहते हैं? निगम। तरोर गलितम फलम, उसके जो फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। उसके आगे क्या कहा जा रहा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुक्तम। कैसा अमृत है? जिसको पहले से किसी तोते ने चख लिया है। सुख मुखाद अमृत, अमृत भी है और कैसा है? द्रव संयुक्तम, न छिलका है और न गुठली है। जिसको कौन ग्रहण करता है? पीवत भागवतम रसमालयम, जिसको क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। रसमालयम क्या है? जो रस का समूह है या घर है। मुह रहो रसिका भुवि भाव कहा, जितने भी रसिक जन है और जितने भी भावुक जन है वो निरंतर इसका पान करते हैं। और हमें क्या चाहिए? भाव भी चाहिए, रस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ किसके अंदर है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। इस श्रीमद् भागवतम के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी पीछे छोड़ दिया गया है। और दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोक्षित कैतवत्र, बस बस धर्म प्रोक्षित कैतवत्र। धर्म मतलब क्या होता है सबको पता है, जो भगवान की तरफ हमको ले जाए वो धर्म है। लेकिन कैतव धर्म कहा गया, कैतव का अर्थ होता है जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी आ जाए, उसको हम कैतव धर्म बोलेंगे। धर्म के नाम पर धर्म नहीं मतलब कि ढोंग हो जाएगा अगर वो कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा धर्म अप्रोक्षित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तु मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। वो क्या करता है कि अगर उसका श्रवण करते हैं भागवत का तो सुनने मात्र से सद्य अवृद्धते अत्र कृत विश्वश्रुभि तत्क्षणात्। सुनने मात्र से भगवान कृष्ण उस तरह आकर के हृदय में बंद हो जाते हैं जैसे रोटी खाने के लिए चूहा पिंजरे के अंदर प्रवेश करता है और बंद हो जाता है। उसी तरह अगर आप भागवत का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान कृष्ण आपके हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। इसलिए हमें नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए। और उसी में भागवत में कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। क्यों नित्य पाठ करना चाहिए?
नैष्ठिकी भक्ति आपको चाहिए, अगर निष्ठा चाहिए और फिर रुचि उत्पन्न करना है तो हमें भागवत के पास जाना ही पड़ेगा। अगर कोई भाव की अवस्था में जाकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जितने भी लीलाओं को उल्लेखित किया गया है, गाया गया है, उसको हमें निरंतर श्रवण करना होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पाठ और श्रवण प्रतिदिन आवश्यक है। और हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बना करके रखा है कि प्रतिदिन हम भागवतम का पाठ करते हैं। और एक बात और कह रहे हैं चैतन्य महापुरुष, बताते हैं कि भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक भक्त भागवत और दूसरे ग्रंथ भागवत। तो अगर हमें भागवत ग्रंथ ना मिले तो हमें ऐसे व्यक्ति का संगति करना चाहिए जो भक्त भागवत हो, जिनके माध्यम से हम भागवत सुन सके। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के भागवत कभी श्रवण नहीं करना चाहिए जो पैसे लेकर के भागवत बोलते हो या पेशेवर वक्ता हो। हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो सही में भागवत हो, अपने आप को भागवत का वक्ता न कहते हो। फिर यहाँ पर कहते हैं आखिरी में, सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त थे, किंतु जब वे अपने पिता के मुख से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुने तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। वेद व्यास के द्वारा स्वरूप सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप में सुनाया। अगर श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के लिए जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित को पांचवा दिन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये बताओ तुम्हें श्रवण करने से भूख और प्यास तो जरूर लगा होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित बोलते हैं कि आपकी कथा से जो तृप्ति हमें मिल रही है वो भोजन और अन्न के द्वारा भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए आप अपनी कथा को जारी रखिए। किस लिए? क्योंकि इतना आनंद है कि भूख प्यास को भी मिटा सकता है भागवत। अगर भागवत सुनने के बाद भी लोगों को भूख प्यास और नींद लग रहा है तो मतलब अभी तक उसकी रुचि ही उत्पन्न नहीं हुई है, वो अभी तक श्रद्धा के स्तर पर आया ही नहीं कि वो भागवत सुन सके। इसलिए ये पांच अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें निष्ठा पूर्वक इसे पालन करना चाहिए। समझ गए? इसमें बहुत सारा है, लगभग इसमें 20 से 30 श्लोकों में भागवत की महिमा को गाया गया है और रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। समझ गए? 62 है भक्तों की संगति। कैसे भक्तों का संग करना चाहिए? सजातीय, स्निग्ध और महत, तीन क्वालिटी होने चाहिए भक्तों के लिए। अगर भक्तों का हमको संग करना है तो भक्त के अंदर तीन गुण होने चाहिए जिसका हम संग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तिलक लगाया है हम उसका संग कर रहे हैं, जो तिलक लगाया है वो सब कर रहा है उसकी हम सेवा करेंगे लेकिन संग नहीं करेंगे। भक्तों की संगति कैसे करनी चाहिए? सजातीय होना चाहिए। सजातीय। दूसरा स्निग्ध होना चाहिए। तीसरा महत। ये तीन कम से कम उसके अंदर गुण होने चाहिए। कैसे भक्तों का संग करना चाहिए? सजातीय मतलब हम भगवान कृष्ण को सब कुछ मानते हैं और जिस रूप में मान रहे हैं उसी रूप में वो भी मानना चाहिए। आप कृष्ण को मान रहे हैं कि वो मथुरा वासी कृष्ण है, कोई और कृष्ण का भक्त आया जो द्वारिका वासी कृष्ण को मानता है, कोई और आया बोला हम मथुरा वासी कृष्ण के भक्त हैं, तो स्पष्ट कहा गया है, रसिक लोग बोलते हैं कि वृंदावन को बाहर वृंदा विपिन न निहार, अगर वृंदावन से बाहर कृष्ण भी दिखाई दे तो उसको देखने से चूक जाना, उसके तरफ मुंह सर उठा करके नहीं देखना चाहिए। इसलिए सजातीय भक्त का संग करना चाहिए, जो भक्त हमारे ही सजातीय में हमारे ही गौड़ीय परंपरा के अंतर्गत आते हैं उनका संग करना चाहिए। स्निग्ध होने चाहिए मतलब कोमल होनी चाहिए सबके प्रति, सम व्यवहार होना चाहिए सबके प्रति। स्निग्ध मतलब कोमल होता है, कोमल भी होने चाहिए और सबके प्रति सम व्यवहार होना चाहिए, सम दृष्टि रखने वाले हों, ऐसे वैष्णवों का हमें संग करना चाहिए। और तीसरा गुण है महत्व, वो हमसे भजन में, भाव में, श्रद्धा में, भक्ति में हमसे ऊपर होने चाहिए, तब जाकर के हम उस भक्त की संगति कर सकते हैं। और इसके बाद कहा जाता है कि अगर ऐसे भक्त आपको मिल जाते हैं संग करने के लिए
तो भागवतम कहता है तुल्या नाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तुल्या नाम लवे नापि, तुल्या नाम मतलब लव मात्र, एक सेकेंड का बारहवा हिस्सा भी अगर संग करने के लिए मिल जाए तो उतना संग भी न स्वर्गम न पुनर्भव, मतलब ये स्वर्ग की जो सुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्कर से छूट जाने का भी जो सुख है वो उसकी बराबरी तुल्या नाम बिलविना भी तुल्य के बराबर नहीं हो सकता है। भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मताशी, अगर कोई भक्त है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए, इतना महत्व है। हरि भक्ति सुबोधे में कहा गया है यस यत संगति पुंसो मणिवत स्याद तद गुण स्वक्लिद्धे ततो धीमान श्री युत्थान एवं संश्रेत। जैसे एक मणि होता है उस मणि को जिस कपड़े के ऊपर रख दिया जाए तो वैसे ही रंग का वो मणि दिखने लगता है, या कभी कभी ऐसा मणि आता है कि मणि सामने रखा और कोई ऐसा सामान रख दे जिसमें उसका प्रतिबिंब पड़े तो मणि और वस्तु एक जैसा दिखने लगता है, भले उसमें उसका रंग हो या ना हो। जैसे कि एक लाल गिलास रंग भरा हुआ गिलास का पानी रख दें और उसके आगे सादा पानी जिसमें रंग न मिलाया हो तो कैसा दिखेगा वो सादा वाला, वो भी वैसे ही दिखेगा। उसी तरह अगर हम भक्तों का संग कर लेंगे तो उसके जितने भी गुण हैं वो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित होने लग जाएंगे। इसलिए अगर कोई संग कर रहा है जिसका तो देखना चाहिए उसका गुण उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। बाहर से केवल उनके जैसा कपड़ा उनके जैसा चाल ढाल हो जाएगा तो संग नहीं है, उसका गुण उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, चाहे गौर कृष्ण महाराज को देखिए, उन्हीं के शिष्य थे, जब वो बोलते थे तो लगता था कि वही बोल रहे हैं, तो क्यों आता था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का संग किया तो उनसे पता चलता है कि उनका जो गुण है वो उनके शिष्य में भी आया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर क्या है, भगवान नाम संकीर्तन। तो भगवान नाम की महिमा तो हर सबको पता है, संकीर्तन का मतलब हम बता दिए और जप का मतलब भी हम बता दिए। हमको क्या करना है, भगवान के नामों का संकीर्तन करना है। आदि पुराण में कहा जाता है गीत्वा च मम नामानि विचरेण मम सन्निधो, जो गीत्वा च मम जो मेरे नामों को गाता है वो मेरे सानिध्य में विचरण करता है। इति ब्रीवामि, मैं यह बोलता हूं, कैसे बोलते हैं, सत्यम कृतो हम तस्य अर्जुन, अर्जुन की शपथ खा करके बोलता हूँ कि जो मेरा नाम को गाता है कीर्तन करता है वो मैं उसके साथ और वो मेरे साथ हमेशा विचरण करता है, केवल भगवान के नाम को ग्रहण करने से। पद्म पुराण में कहा जाता है येन जन्म सहस्त्राणि वासुदेव निसेवित, हजारों जन्म तक अगर भगवान की सेवा करता है तन मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठन्ति भारत, उससे श्रेष्ठ है तन मुखे हरि नामानि जिसके मुख में भगवान हरि का नाम सदा विराजित रहता है, और जिसके मुख में हमेशा भगवान का नाम विराजित रहता है वो हमेशा भगवान की सेवा कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तत्रैव नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नामिनः, कृष्ण से कृष्ण का नाम अभिन्न है, कृष्ण से कृष्ण का नाम को अगर हम भिन्न समझेंगे तो कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको कृष्ण से कृष्ण के नाम को अभिन्न नहीं समझना चाहिए, दोनों एक हैं, कृष्ण भी हैं और उसका नाम भी एक है, लेकिन भगवान नाम को भगवान से श्रेष्ठ समझा गया है, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ नहीं आ सकते भगवान अवतार लेकर के, लेकिन भगवान का नाम हर जीव में है, हर जुबान में जो हरे कृष्ण का महामंत्र बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, तो हर व्यक्ति के जीव में भगवान हजारों बार अवतार लेते हैं, क्योंकि जो हम कृष्ण बोलते हैं हमको लगता है कि ये कृष्ण है ही नहीं और हम की अवहेलना करके दूसरा काम करते हैं। जैसे यही बात हुआ कि कोई आपके घर में मेहमान आया है और कुर्सी से उठ करके खड़े ना हुए हो तो उसको कैसा लगेगा, उसको बैठने के लिए कोई आसन ना दिया जाए कैसा लगेगा, या आप उसको आसन दे दीजिए और फिर अपने अन्य काम में लग जाइए उसको कैसा लगेगा, कुछ समय बैठेगा फिर चला जाएगा। वैसे ही हरि नाम का है, हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण साक्षात हमारे जीव में आकर के तुंडो तांडो नृत्यति, भगवान रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वो हमारे जीव के ऊपर नाचते हैं भगवान, केवल कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण हमारे जिह्वा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, और जब हम उनकी अवहेलना करके दूसरे कार्य में लग जाते हैं तो देखिएगा ऐसे व्यक्ति को
फिर नाम जप में मन नहीं लगने लगता है। किसी को नाम में जप लग रहा है मन में, तो उसको समझना चाहिए कि हम कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं इसलिए लग रहा है। इस बात को ध्यान पूर्वक समझना है। वह है ना, भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवा मुखे ही जीवा दौर स्वमे वो स्पृद्यते, उसके जीव में उसके हृदय में स्वयं कृष्ण स्फुरित होते हैं अगर कृष्ण की सेवा किया जाए तो। कृष्ण का सेवा नाम लेकर के भी संभव है, केवल नाम लेकर के। और आखिरी है मथुरा मंडल में वास करना। इसमें कहते हैं कि अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिर एव महाफलम मुक्ति प्राप्य हरेर भक्ति मथुरायाम तो लभ्यते। अन्येषु पुण्य तीर्थेषु जितने भी मुक्ति के धाम है, अन्य तीर्थ है, मुक्तिर एव महाफलम वहां मुक्ति ही फल मिलती है महाफल के रूप में। मुक्ते प्राते हरेर भक्ति जहां मुक्ति भी भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करती है मथुरायाम तो लभ्यते वहां मुक्ति को भी मुक्ति दी जाती है, वो स्थान मथुरा है। त्रिवर्ग विदा कामिनाम मुमुक्षिणाम च मोक्षदा भक्ति क्षरे भक्तिदा कसम तब मथुरायाम नश्राय ना आश्रय बुधा। जिसको अगर सब कुछ चाहिए, त्रिवर्ग की संपदा चाहिए, कामिना मुमुक्षना मोक्ष चाहिए, वो सबको भी भक्ति की इच्छा लेकर के वृंदावन में निवास करता है तो उसको आराम से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठ च गरियसी, मैं उस मथुरा को धन्य मानता हूं जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मथुरा सबसे श्रेष्ठ है। मथुरा में कौन निवास करता है? कृष्ण। और वैकुंठ में कौन निवास करता है? विष्णु नारायण। एक बार क्या हुआ कि रासलीला चल रहा था और भगवान वित्त गायब हो गए। राधा रानी उधर से आती हैं और भगवान नारायण भगवान कृष्ण ही चतुर्भुज के रूप में अवतार ले लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ किसको ढूंढ रही हो। तो राधा रानी बोलती है थोड़ा सा हटिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, हम कृष्ण को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और जबकि कृष्ण और विष्णु देखने में सेम लगते हैं, फिर भी राधा रानी उस चतुर्भुज स्वरूप की तरफ आकर्षित नहीं होती। जब भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासी को उठा करके वैकुंठ ले गए तो ब्रजवासी देख रहे हैं कि वहां पर चुपचाप शेष सैया में भगवान विष्णु लेटे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है देख करके कि हम अपने कन्हैया के कंधे पर चढ़ करके फल तोड़ा करते थे, वहां पर इतने सारे दास दासियां लगे हैं और लक्ष्मी जी चवर डुला रही हैं, हम वहां तक जा भी नहीं सकते, तो हमें इस विष्णु का कोई वैल्यू नहीं जाना, हमें इसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, इसलिए हमेशा वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है। जब वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि जितने भी सप्तपुरियां हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उस सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ मथुरा है क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार नहीं स्वयं आए हैं, अवतार नहीं अवतार ही स्वयं आया है, इसलिए मथुरा धाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें मथुरा में क्या करना चाहिए? निवास करना चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि हम यहाँ हैं तो मथुरा में कैसे निवास करें? हम मथुरा में कैसे निवास करें? हम मंदिर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं और आचार्य बोलते हैं कि जो मथुरा में निवास कर रहा है, एक हो गया जो पहला मथुरा में जन्म लिया तो स्वाभाविक रूप से मथुरा में निवास करेगा। दूसरा होता है मथुरा में जन्म लिया लेकिन निवास कहीं और कर रहा है। तीसरा जिसका जन्म कहीं और है लेकिन मथुरा में निवास कर रहा है। और चौथा जो मथुरा में न जन्म लिया है और जो मथुरा में न निवास कर रहा है, तो इन चार कैटेगरी में और चौथा सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा जो जन्म तो लिया है कहीं और लेकिन मन से निवास कर रहा है मथुरा में। तो हम जन्म कहीं और लिए हैं लेकिन हमको मन में क्या करना है? वृंदावन को बसाना है। इसलिए कभी कभी क्या यहाँ तो लिखा ही गया अंठावन में कि कार्तिक मास में हमें मथुरा में रह करके कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। जब हम मथुरा जाकर के कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो उस समय क्या होगा, हम मथुरा को देख लेंगे उस दृष्टि से, तो मथुरा और वृंदावन हमारे हृदय में सदा के लिए निवास कर जाएगा। इसलिए हमको वृंदावन को जाना है, वृंदावन में जाना है लेकिन वृंदावन को हृदय में ले करके आना है, या तो वृंदावन में हृदय छोड़ करके आना है। कभी वृंदावन जाते तो देखे होंगे लोग टी शर्ट पहनते हैं लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, क्यों? तो वृंदावन जाते हैं तो उनका हृदय छूट गया वहां पर, इसलिए वो सदा मथुरा में निवास करते हैं। सर शरीर वृंदावन में रहे न रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप मथुरा में निवास कर सकते हैं।
समझ में आया? तो ये 64 जो अंग थे वो पूर्ण हुए, और 64 में जो हम 44 बता रहे थे जो शरीर से काम करते हैं, कुछ मन से, कुछ स्पर्श से, तो आप खुद से देख करके उसको उसके अलग अलग लगा सकते हैं कि कौन मन से किया जा रहा है, कौन क्रिया से, कौन नासिका से, कौन मुख से, कौन जीवा से, कौन कर्ण से, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। तो हमने 64 भक्ति के अंग जो है वैदिक भक्ति के उसको पूर्ण किया। ठीक है, अध्याय 13, अध्याय का नाम तो यहाँ लिखा है कि भक्ति के 5 प्रबल रूप, तो यही 5 प्रबल रूप हैं। बस इसमें एक स्टोरी है जिसको सुना करके आज विश्राम करेंगे। तो इसमें रूपात्मक अलंकार के द्वारा इस श्लोक को लिखते हैं रूप गोस्वामी, बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि जो अपने भौतिक संसार में सुख को भोगना चाहता है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ आनंद करना चाहता है, वो कभी भी यमुना वृंदावन ना जाए। वो क्या करे? वृंदावन ना जाए, ना जाए। अगर वो गलती से वृंदावन जाता है तो यमुना के किनारे ना जाए। अब ये लिखा जा रहा है रूपक अलंकार के रूप में, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ना जाए, और डायरेक्टली कह रहे हैं कि ना जाए, और इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उसको जाना चाहिए। और जाने के बाद क्या बोलते हैं कि अगर वो वृंदावन जाता है तो कभी भी यमुना के किनारे जाए तो केसी घाट ना जाए, क्योंकि अगर वो केसी घाट जाएगा तो वहां पर एक खड़ा काला रंग का एक लड़का है, उसको कभी ना देखे। अगर वो गलती से उसका नजर उसके ऊपर पड़ गया तो जैसे काजल किसी की आंख में गिर जाए, किनारे गिरे तो अलग बात है, रोशनी बढ़ता है, लेकिन वो काला कृष्ण अगर आंख में गड़ गया तो आंख मसलते रह जाओगे, ना घर दिखेगा, ना संसार दिखेगा, ना भोग दिखेगा, ना फिर और कोई भगवान और देवता दिखेगा। इसलिए कभी भी हमको वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो तुम जरूर जाओ, जिससे तुम्हारे जितने भी भौतिक आकांक्षा है, परिवार है, संबंध है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, केवल गोविंद के दर्शन होंगे। और गोविंद के दर्शन से जैसे काजल अटकता है आंख में, वैसे कृष्ण अटकेगा तो संसार न देखने लायक रहेगा, ना तुम संसार के लायक रहोगे, ना संसार तुम्हारे लायक रहेगा। इसलिए हमको वृंदावन जा करके उस गोविंद के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिससे कृष्ण हमारे आंखों में अटक जाए और ये संसार हमें दिखना बंद हो जाए। तो ये भक्ति के 5 प्रबल रूप जिसको यहाँ पर समझाते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में पूरा कर दिया। हरि बोल। वाह, हरि बोल। और एक और स्टोरी इसमें बताते हैं जिसमें विल्व मंगल ठाकुर आते हैं। विल्व मंगल ठाकुर क्या करते हैं? विल्व मंगल ठाकुर जब अपने प्रेमिका के प्रति आसक्त तो हो गए थे, और प्रेमिका की जैसी ही एक सुंदर स्त्री उनको मिली जो उनके जैसा सुंदर थी, तो उनको क्या लगा कि हम इनके प्रति भी जाकर के अपने भोग को प्रकट कर सकते, अपनी वासना को। विल मंगल ठाकुर उनके घर में प्रवेश करते हैं, वो शादीशुदा महिला थी, और वो जाकर के उसके पति को बोलते हैं कि मैं आपके पत्नी का संग करना चाहता हूँ। अब वो पति बोलता है कि आप साधु हैं, हम इस सेवा के लिए तैयार हैं। उसकी पत्नी वहां पर सुंदर तैयार होकर के आती है विल मंगल ठाकुर के सामने। जब जैसे ही तैयार होकर के आती है, विल मंगल ठाकुर को बहुत संकोच होता है कि ऐसे वैष्णव हैं जो इस कार्य के लिए भी अपने पत्नी को मुझे समर्पित कर देते हैं। इसको देख करके उनके अंदर इतना ग्लानि आता है कि उस महिला से, उस माता जी से बाल में खुशने का पिन लेकर के दोनों हाथों में अपने दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं, और आंख फोड़ने के बाद विल मंगल ठाकुर सीधा मथुरा पहुंचते हैं और वहां जाकर के फिर प्राप्त करते हैं। रसखान एक पान की दुकान में कृष्ण की तस्वीर देखा, जिसमें भगवान कृष्ण नंगे पैर खड़े हैं, और वो पूछता है कि कहाँ मिलेंगे कृष्ण, और पहुंच जाता है पैर में पहनने वाला चप्पल लेकर के, कहाँ? वृंदावन। और फिर आज तक वापस नहीं आया। वैसे कई सारे भक्त हैं जो वृंदावन पहुंच रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए? कृष्ण को ढूंढने के लिए, और आज तक वापस नहीं आ रहे हैं। हमारा जो भक्ति सांद्र सिंधु है, इसमें हम लोग अभी पढ़े वैदिक भक्ति। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे भक्ति की पात्रता, जिसमें हमें ये समझना है कि भक्ति की पात्रता क्या है। जब सनातन रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु वार्तालाप कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि ये बताओ कि सबसे परम धर्म क्या है,
तो बताते कि भाई वर्णाश्रम का नियम पालन करना, और हम लोग पढ़ लिए कि नियम वर्णाश्रम का कोई आवश्यकता नहीं। तो बोले उससे आगे बता, तो बोलते सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम भज, बोले इससे भी आगे बताओ ये सार नहीं है। बोलते अब कैसे होगा, तो बोलते हैं आपकी कथा के प्रति रुचि, बोले इससे भी काम नहीं चलेगा और आगे चलो। तो बोलते हैं आपका दास हो जाना, मतलब इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी आगे चलो। तो बताते हैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेना, बोले ये सब नहीं चलेगा, उससे भी आगे। बोलते हैं कि जैसे द्वारिका के महिषी लोग हैं आपको पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिए, वैसा बोले ये भी नहीं चलेगा। जब तक नहीं बोलते हैं कि गोपियों की तरह आपसे प्रेम हो जाए, तब तक चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब बाह्य है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो हमें भी प्रेम करना है, तो यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, जब वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि भक्ति रसामृत सिंदूर लिखा जाना और रूप गोस्वामी का इतना मेहनत करना सफल होगा। क्योंकि वैदिक भक्ति में हमने इतना सारा आपको उसकी फल श्रुति बताई कि आप ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, ये केवल आपको इस अंग में लगाने के लिए है, न कि उसका उद्देश्य वो है। केवल क्यों है, आपको वैदिक भक्ति में लगा करके आपके अंदर कृष्ण के प्रति लालसा को उत्पन्न कर दे, जो आपको आगे चल करके वृंदावनवासी कृष्ण के प्रति मोहित कर सके। अगर आप इसके प्रति मोहित हो जा रहे हैं तो आपके अंदर योग्यता है कि आप कृष्ण को व्रज के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके आगे बाकी चर्चा हम लोग किसी और दिन करेंगे, मतलब कल, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे 14वां अध्याय और 15वां अध्याय, ठीक है। श्रीमान बलभद्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा हरे।